दिल्ली में हो रहे G20 समिट को लेकर पूरे देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसके चलते पठानकोट शहर में भी SSP हरकमलप्रीत सिंह खक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। बात करते हुए SSP हरकमलप्रीत सिंह खक ने बताया कि दिल्ली में हो रहे G20 समिट के चलते पूरे देश भर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि कोई भी अनचाही घटना ना घट सके। पठानकोट जिले के बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहां पर सुरक्षा को ज्यादा पुख्ता किया गया है, जिसके चलते आज पठानकोट शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और इसके बाद ऑपरेशन कासो के तहत भीड़ भाड़ वाले इलाके, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी चेकिंग की जाएगी। आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है, अज जिदा तुहानू सारयां नू पता है G20 समिट हो रहा दिल्ली दे विच अज और कल 9th और 10th नू, जिहदे विच सारे जिहड़ी दुनिया उहदियां नज़रां अपने मुल्क वल हैगियां, इंडिया भारत वल हैगियां, भई इस कंट्री दे विच इन्नियां कंट्रीज़ दे जिहड़े टॉप मोस्ट जिहड़ियां पर्सनैलिटीज़ आ उह आ रहियां हैगियां, उत्थे विचार चर्चा होएगी और अपनी कंट्री नू इहदे नाल बड़ा बूस्ट मिलेगा। उहदे लई सारे कंट्री दे विच सिक्योरिटी जिहड़ी आ उह बड़ी चकाचौंध कीती गई है। अपना बॉर्डर ज़िला हैगा, बॉर्डर स्टेट हैगी है, उहदे करके पठानकोट दे विच वी असीं अज फ्लैग मार्चिज कर रहे हैगे आ और इस तों बाद असीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जिहड़े होर क्राउडड इलाके आ उत्थे कासो ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉडन एंड सर्च ऑपरेशन। ये सारे बंदोबस्त का मकसद जिहड़ा हैगा आ वह सेंस ऑफ सिक्योरिटी हैगा, तां कि जिहड़ा माड़ा एलीमेंट उहनूं पता लगे भी पंजाब पुलिस जिहड़ी हैगी पूरी अलर्ट हैगी आ, जे कोई इदां दी कोई हरकत होई तां उहदा इमीडिएट जवाब दित्ता जाए। ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਪਾਰਲਰ ਕੀ ਧੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਸੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਕੇਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਓਕੇ।